दोस्तों आप हजारों रुपए खर्च करके भी यह एडवाइस नहीं पा सकते जो आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों ये एक सबसे कॉमन समस्या है, झूठी कंप्लेंट चाहे मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो या झूठी एफआईआर जो कि पुलिस के समक्ष की गई हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन से अपने पास तरीके हैं जिनसे ऐसे मसलों से डील किया जा सकता हो। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि कोई भी मैटर या कोई भी कंप्लेंट अगर झूठी है तो क्या हमें डरना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं ये सवाल। बेशक आप ये कहेंगे कि नहीं डरना चाहिए और मैं भी यही कहूंगा, क्योंकि जब कोई झूठी कंप्लेंट है तो हम क्यों डरे, फॉल्स कंप्लेंट है तो हमें नहीं डरना चाहिए। लेकिन हमें तरीका नहीं पता कि हमें किस तरह से डील करना चाहिए, तो वो तरीका तो मैं आपको आज फ्री में बता रहा हूं। तो दोस्तों सिर्फ आपको इतना करना है कि वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट कर देना अपना, और अगर आप वीडियो से आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने आपके विरुद्ध एफआईआर थाने पर जाकर के दर्ज कराई है और वह झूठी एफआईआर है, तो देखो क्लियर कट ये कानून है 41 सीआरपीसी के अंदर कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। किसी ने कोई ऑफेंस किया है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी गंभीर अपराध है तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जब कोई झूठी एफआईआर है तो क्यों हमें कोई अरेस्ट करेगा, क्योंकि सिर्फ कंप्लेंट करने से पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस के पास ऐसे तथ्य ऐसी एविडेंस होना चाहिए कि हाँ फला व्यक्ति ने लगता है कि ऐसा ऑफेंस किया है। अब वो लगने वाली बात कब होती है, जब कोई तथ्य सामने आता है, सबसे मेन चीज। तो क्या करना चाहिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए निडर होकर के और अपनी बात रखना चाहिए। सबसे पहली चीज पुलिस को जाकर के सेटिस्फाइड करें कि आपके ऊपर कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर क्यों दर्ज करा रहा है। कोई ना कोई वजह होगी, चाहे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, कोई आपकी पुरानी रंजिश हो, कोई भी रीजन हो सकता है और वो आपको पता होना चाहिए कि क्या रीजन है। पुलिस को बताएं और वह एफआईआर झूठी है आप किस आधार पर कह रहे हैं पुलिस को, ये भी पुलिस को एक्सप्लेन करें। क्योंकि पुलिस से अगर आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो झूठी एफआईआर दर्ज करा रहा है उसी के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे, तो आपको ये चीजें पुलिस को बतानी होगी। डर के भागोगे तो आपके ऊपर मामला दर्ज हो जाएगा, क्योंकि आप पुलिस के पास आए नहीं, अपनी बात रखी नहीं, आपने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की नहीं, तो फिर आप भागते हो। भागता कौन है, जिसने कुछ किया हो। डर के कौन भाग रहा है, जिसने कुछ किया हो। तो पुलिस को यह लगता है कि यार वो व्यक्ति सामने नहीं आ रहा, इट मींस उसने कुछ तो किया है। जो हमने किया ही नहीं है तो क्या करेंगे, हम पुलिस के पास जाकर के अपनी बात रखेंगे, कोशिश करेंगे अपनी बात को पुलिस को साबित करने की। अगर पुलिस आपकी बात को मान लेती है तो 182 आईपीसी के तहत उसके विरुद्ध तुरंत एक्शन ले सकती है। वो आपके मामले में तो लगाएगी वो एफआर फॉल्स रिपोर्ट मानते हुए उसकी, और 169 में उसको तो क्लोज कर देगी, जो हम क्लोजर रिपोर्ट ही बोल सकते हैं उसको। लेकिन उसके विरुद्ध जो है वो एक इस्तगासा प्रिपेयर करेगी, क्योंकि वो फॉल्स एविडेंस आप फॉल्स कंप्लेंट आपके विरुद्ध कंप्लेंट दर्ज करा रहा था जिससे कि आपके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करती, तो इस वजह से उस पर 182 की कार्रवाई पुलिस कर रही है। एक हुई है बात। दूसरी बात कि मान लीजिए कि यार पुलिस उसके साथ सपोर्ट में है, एसपी के पास जाएंगे, एसपी के पास जाकर के लिखित में शिकायत देंगे और हम इन्वेस्टिगेशन को भी चेंज करवा सकते हैं एसपी से, भाई फला पुलिस ऑफिसर पे हमें एक तरीके से ट्रस्ट नहीं है, तो आप किसी और अन्य पुलिस ऑफिसर से इस मामले की जांच कराएं, जो कि निष्पक्ष जांच करें इस मामले की, क्योंकि हमने ऐसा कोई ऑफेंस किया नहीं है। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, और या फिर हम डायरेक्ट 482 में जा सकते हैं। वहां पर जाकर के अगर हमारे पास कोई ऐसा रीजन है, ऐसा कोई ग्राउंड है जिसमें हम ये साबित कर सकते हैं 482 में जाकर के कि भाई जो एफआईआर है वो कंप्लीटली फॉल्स है, झूठी एफआईआर है, तो एफआईआर क्वेश हो जाएगी 482 के अंदर। जैसे ही एफआईआर क्वेश हो जाती है, ला करके संबंधित थाने पर दे कॉपी को ऑर्डर की और उसके खिलाफ कार्रवाई करवाए 182 आईपीसी की। ये तो एक बात, लेकिन कई बार क्या होता है मामला दर्ज कराया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष कोर्ट के अंदर। जब कोई मामला कोर्ट के अंदर पेश करा गया है दोस्तों और आपको पता है कि झूठा है मामला, तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे हमेशा कहूंगा ये बात। आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो आपकी नॉलेज में आ गई कि कोई झूठी कंप्लेंट अपने विरुद्ध न्यायालय के अंदर दर्ज कराई गई है, तो आप जाएं वकील से मिले, उसकी सर्टिफाइड नकल निकलवाएं उस कंप्लेंट की, और उसकी करें आप रिविजन 397 सीआरपीसी में रिविजन करें उसकी, और उस रिवीजन के साथ अपने जो जो भी आपके पास ग्राउंड है, जो भी आप कहना चाहते हैं कि भाई किस तरह से ये फॉल्स एविडेंस है, उसमें मेंशन करते हुए चलेंगे अपन। रिवीजन होगी जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष, मतलब सेशन कोर्ट के अंदर होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होगी।
तो अगर आप वहां पे साबित कर देते हैं तो देन वहां से जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर की कॉपी को देंगे आप कहां पर, मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायालय में। और मजिस्ट्रेट आप निवेदन करेंगे या प्रार्थना पत्र पेश करेंगे 211 की कार्रवाई करने का उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके ऊपर झूठी कार्रवाई की, झूठी एफआईआर या झूठी कंप्लेंट दर्ज कराने का प्रयास किया है मजिस्ट्रेट के समक्ष एज ए परिवाद के तहत। तो 211 आईपीसी के अंदर जो मजिस्ट्रेट है उसके ऊपर कॉग्निजन ले सकता है। 211 आईपीसी में 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई संज्ञेय अपराध लगाना चाह रहा था वो व्यक्ति, जिसमें आपको मृत्यु दंड हो सकता था या आजीवन कारावास हो सकता था या 7 साल से अधिक की सजा हो सकती थी आपको उस ऑफेंस के लिए, तब ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर 211 के तहत ऐसे कार्रवाई की जाएगी जिसमें उसको भी 7 साल तक की सजा हो सकती है। केवल आपको अपनी एविडेंस उसके अंदर देनी होती है, फिर आप साबित करें कि वह व्यक्ति झूठी एफआईआर आपके विरुद्ध या झूठी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष कराया था, आपने साबित कर दिया तो उसको सजा भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरे को न्यायालय से कोई उम्मीद नहीं है, 397 सीआरपीसी में मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा या लोअर कोर्ट मेरी सुनवाई नहीं कर रहा, तो फिर आप डायरेक्ट वापस से 482 के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी जरूरी नहीं है कि केवल आप उसी एफआईआर सिचुएशन के अंदर जाएं, परिवार की सिचुएशन में भी जा सकते हैं 482 के अंदर, और वहां जाकर के आप, आपके पास ग्राउंड है तो क्वेश्चन भी करा सकते हैं या डायरेक्शन लेके आ सकते हैं निष्पक्ष जांच के या निष्पक्ष कार्रवाई के। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा वीडियो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। लाइक कर देना इसको और दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाना। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।